बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कुन रेसिपीज़ में आपको वेलकम। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा अल्लाह की अमान में रहें। आज हम आइसक्रीम की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि घर में हम आइसक्रीम कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल ईजी मेथड और आसान सी रेसिपी है हमारी कि घर पर हम कैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आइसक्रीम बनाते हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसी ही फ्लेवर में जो हम आइसक्रीम तैयार करेंगे, जिस तरह के हम वाल्स या अमोर की आइसक्रीम बाज़ार से लेके आते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आपको मिलेगा घर पे। तो चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं कि घर में हम आसानी से कैसे आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं बाज़ार जैसी। यहाँ पे मैं 600 ग्राम दूध ले रही हूँ। देगची के नीचे मैंने चूल्हे को ऑन कर दिया। 200 ग्राम इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। अब दूध को हम छोड़ देंगे बॉयल आने तक। यहाँ पे मैंने एक कस्टर्ड साशे ले लिया जो जिसको मैं ठंडा थोड़ा सा दूध मैंने कप में अलहदा से रख लिया, उसमें इसको मैं मिक्स करके रख लूँगी। दूध को मैंने छोड़ दिया बॉयल आने तक। जब दूध में बॉयल आ जाए तो हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता कस्टर्ड साशे जो मैंने दूध में मिक्स करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड करेंगे, और साथ में हम चम्मच भी चलाते जाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। मसलसल इसको हलाने से गुठलियाँ नहीं बनेंगी। 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको कुक करना है, और कुक करने के बाद इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। कस्टर्ड हमारा बन के रेडी हो गया। हमने 1 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख के खूब ठंडा भी कर लिया। दूसरी तरफ मेरे पास व्हिपिंग क्रीम है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, और मेरे पास सादा क्रीम भी है हलीब की, लेकिन मैं वो नहीं यूज़ करूँगी। इसमें मैं यूज़ करूँगी व्हिपिंग क्रीम जो मेरे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। 200 ग्राम मैं इसको क्रीम को जो है ना मैंने बाउल में डाल लिया। अब इसको मैंने 7 से 8 मिनट के लिए इसको बीट करना है ताकि इसमें अच्छी तरह से जो है ना एयर ऐड हो जाए और ये क्वान्टिटी में डबल हो जाए। 7 से 8 मिनट इसको मसलसल बीट करने के बाद इसको मैं बॉल को उल्टा करके चेक करूँगी कि ये विप हो गई है। अगर ये विप हो गई होगी तो ये नीचे गिरेगी नहीं बॉल उल्टा करने से। क्रीम को विप करने के बाद मैं कस्टर्ड जो मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था 1 घंटे से, उसको भी 7 से 8 मिनट के लिए उसको भी मैं करूँगी। ये आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी नीचे गिरी नहीं है बाउल को उल्टा करने से। अब मैं बीटर इसमें चलाऊंगी जो मैंने कस्टर्ड रेडी करके रखा हुआ था। कस्टर्ड को खूब ठंडा करेंगे, खूब के हल्की हल्की सी उसमें आइस भी आ जाए, फिर हम इसको बीट करेंगे। तो फिर इसमें क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे आइसक्रीम में। क्रिस्टल फ्री करने के लिए आइसक्रीम को इसको खूब बीट किया जाता है। 7 से 8 मिनट के लिए इसको मसलसल मैं बीट करूँगी। 3 से 4 मिनट पे मैंने इसको लो उसमें रखा था स्पीड पे, फिर उसके बाद 3 से 4 मिनट जो है वो मैंने इसको हाई स्पीड पे जो है ना बीट किया था। कस्टर्ड हमारा अच्छी तरह से बीट हो गया। अब इस कस्टर्ड को मैं शामिल कर रही हूँ क्रीम के अंदर। क्रीम के साथ इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी, फिर मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको फिर से बीट कर लूँगी। अभी आप देख रहे हैं कि बर्तन में ये ऊपर तक जो है ना विप हो के आ गई है क्रीम और कस्टर्ड। इसी तरह का हमें चाहिए। ये देखने में भी नज़र आएगा कि ये क्रीमी क्रीमी सा हो गया। जब इसका बिल्कुल क्रीमी सा टेक्स्चर आपको नज़र आए तो आप समझें कि ये बीट हो के बिल्कुल रेडी हो गई है। दूसरी तरफ मैंने मोल्ड लिया, उस मोल्ड में मैं इसको डाल रही हूँ आइसक्रीम को ठंडा करने के लिए। इसको अच्छी तरह से मैं बराबर करूँगी, फिर इसको मैं रैप पेपर के साथ रैप कर दूँगी ताकि इसके अंदर फ्रीज़र में रखे हुए नमी ना आ सके। अच्छी तरह से मैंने रैप पेपर इसके ऊपर जो है ना वो रैप कर लिया। इसको मैं करूँगी एक साइड पे, और बाकी बची हुई जो क्रीम है मेरी उसको मैं एक दूसरे डिब्बे में जो है ना शिफ्ट करूँगी। ऊपर इसके कवर लगा दूँगी ताकि इसमें भी
नमी अंदर ना जाए और ये अच्छी तरह से फ्रीज हो सके। फ्रीज करने के लिए इसको मैं पूरी रात के लिए फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह से फ्रीज हो जाए, बिल्कुल वैसी जैसी हम बाज़ार से लेके आते हैं वैसी ही इसकी जो है ना लुक नज़र आएगी आपको, इसको टेस्ट भी आपको वैसा ही मिलेगा। आप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आप ट्राई करेंगे इसको टेस्ट करेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी क्रीमी और मज़ेदार सी आइसक्रीम हमारी जो है ना वो रेडी हुई थी। अब हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया, इसको हम बाउल में शिफ्ट करेंगे। ये देखें बिल्कुल क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम हमारी रेडी है, बिल्कुल भी इसमें क्रिस्टल नहीं है, सेम बाज़ार जैसी क्रीमी क्रीमी सी आइसक्रीम हमारी तैयार हो चुकी है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मेरे पास स्वीट्स स्प्रिंकल्स थे वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। अब दूसरी आइसक्रीम जो हमने मोल्ड में फ्रीज की थी उसको हम चेक करेंगे। ये थोड़ी देर मैंने रखी है तो थोड़ी सी ये मेल्ट हो गई है क्योंकि हम दूसरे डिब्बे वाली जो है वो गार्निश कर रहे थे, तो ये थोड़ी सी मेल्ट हो गई है, ज़्यादा मेल्ट नहीं हुई। अब इसको नाइफ के साथ हम पीसेस करेंगे और आप देख रहे होंगे कि जिस तरह हम बाज़ार से 1 लीटर या 1.5 लीटर आइसक्रीम का पैक लेके आते हैं सेम वैसी ही जो ये आइसक्रीम हमारी रेडी हुई है। स्वीट्स स्प्रिंकल्स हम थोड़े से इस पर भी स्प्रेड कर देंगे, इस पर भी गार्निश कर देंगे। ज़बरदस्त सी आइसक्रीम हमारी मज़ेदार सी क्रीमी क्रीमी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई का बाइस बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।